अब हर रोज सुबह की चाय के साथ। देखिए सुनिए मेरे साथ, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य, आपके लिए लाया हूं दुनिया का खबरनामा। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले 200 अरब डॉलर के सामान पर टैक्स 2.5 गुना कर दिया है। अमेरिका ने आयात कर को 10% से 25% करने की घोषणा के साथ जल्दी कुछ नए कर और लगाने की भी बात कही है। व्यापार समझौते पर बातचीत के बीच ट्रंप की इस घोषणा को चीन ने दुखद बताया है। अभी स्थिति और भी खराब हो सकती है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि 325 बिलियन डॉलर के अन्य चीनी उत्पादों पर भी जल्दी ही 25% शुल्क लग सकता है। अगर व्यापारिक विवाद और बढ़ा तो इसका खामियाजा विश्व अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ सकता है। व्यापार को लेकर अमेरिका और चीन के बीच विवाद के मुख्य मुद्दे क्या हैं, आइए समझते हैं। पिछले साल अमेरिका ने चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया। उसका आरोप है कि चीन व्यापार में गलत हथकंडे अपनाता है। अमेरिका ने चीन पर टेक्नोलॉजी चोरी करने का आरोप लगाया है। वो चाहता है कि बीजिंग अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करे, क्योंकि वो घरेलू सब्सिडी देकर अपनी कंपनियों की मदद करता है। अमेरिका ये भी चाहता है कि 419 अरब डॉलर के विशाल व्यापार घाटे को काबू करने के लिए चीन अमेरिकी सामान को खरीदे। आयात और निर्यात में अंतर का अनुपात व्यापार घाटा कहलाता है। इस अंतर को कम करना ट्रंप की व्यापार नीति का हिस्सा है। पिछले साल अमेरिका ने 250 अरब डॉलर के चीनी सामानों पर आयात कर लगाया था। बदले में बीजिंग ने 110 अरब डॉलर के अमेरिकी सामानों पर आयात शुल्क लगाया। इस साल की शुरुआत में ही 200 अरब डॉलर के चीनी सामानों पर शुल्क को 10% से 25% बढ़ाया जाना था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। मशीनरी से मोटरसाइकिल तक नए शुल्क के दायरे में आएंगे। इसमें मछली, हैंडबैग, कपड़े और जूते चप्पल के दाम बढ़ेंगे। चीन ने अमेरिका पर आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा व्यापारिक युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। इसने अमेरिका में बने केमिकल, सब्जियां और विस्की आदि पर शुल्क बढ़ाया है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव का असर पिछले साल से ही वित्तीय बाजार में अनिश्चितता के रूप में दिखने लगा था। साल 2018 में हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 13% तक गिरा, जबकि शंघाई कंपोजिट में 25% गिरावट दर्ज की गई। दोनों शेयर बाजारों में इस साल कुछ सुधार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि पिछले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के पीछे अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ना एक प्रमुख कारण था, जिसकी वजह से साल 2019 का आर्थिक अनुमान घटाना पड़ा। कुछ देशों पर तो परोक्ष रूप से असर पड़ा है, खासकर जो अमेरिका या चीन के अहम व्यापारिक साझेदार हैं या इस सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं आते हैं। लेकिन अमेरिका का व्यापारिक विवाद केवल चीन के साथ ही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और यूरोपीय संघ पर शुल्क बढ़ाए हैं। इसके जवाब में उन देशों ने भी अमेरिकी सामानों पर आयात शुल्क लगाए हैं।